दोस्तों हम किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, खूब सज संवर के जाते हैं, अच्छा सा मेकअप करके जाते हैं, ज्वेलरी पहन के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, खूब चमक रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, मिट्टी पलीत हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है अगर नज़र पड़ती है आपकी काली कोहनी के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाय गॉड, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरे चमके पड़े हैं, लेकिन आपके घुटने, आपकी कोहनी ये काली हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आप अपनी काली कोहनी को किस तरीके से सही कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ना मैं अपने चैनल पर पहले भी कई वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, ये प्लेलिस्ट बनाई है होम रेमेडीज़ के नाम से, तो आप पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो अब आगे हम वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपनी काली कोहनियों को साफ कर सकते हैं घर पर ही घरेलू उपाय की मदद से कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करना है ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81। अगर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, अपने क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक बाउल में गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप सहन कर सकें। देन इसके अंदर मिला लेना है हमको आधा नींबू, ठीक है, आधा नींबू ऐसे ही इसके अंदर निचोड़ लेना। अब इसके अंदर हमें मिलाना है तकरीबन एक चम्मच सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आती हैं कि नॉर्मल नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जी नहीं, आपको सिर्फ सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमें लेना है एक तौलिया या कॉटन का कपड़ा या एक मोटा सा हैंकी, उसको इस पानी में हमें भिगोना है, निचोड़ना है। देन जहाँ पर आपकी कोहनी काली है वहाँ पर 30 सेकंड तक इस कपड़े से सिकाई करनी है, ताकि जहाँ वहाँ पे गंदी गंदी जो मैल जमा हो जाती है, मोटी मोटी मैल, वो नरम हो जाए, ताकि जब हम स्क्रबिंग करें तो वो आसानी से छूट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सिकाई करनी है इसी गरम कपड़े से, गरम पानी से, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर स्क्रब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, देन उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर आप चावल का आटा घर पे ही चावल को पीसना, दरदरा पीस देना, यानी कि थोड़ा सा मोटा रखना स्क्रबिंग करने के काम आने के लिए। इसके अंदर हमने मिला दिया एक चम्मच बेसन, आप चाहें तो एक चम्मच आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा चम्मच के करीब यहाँ पर मैं शहद ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी स्किन जो हम स्क्रब करें साथ के साथ मॉइस्चराइजेशन मिल जाए। फिर जो हमने पानी तैयार किया था, गर्म पानी, नमक, नींबू मिला के, उसी पानी से दो चम्मच या आवश्यकता अनुसार जितना आपको चाहिए एक पेस्ट बना लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरीके की कंसिस्टेंसी का ये पेस्ट बन गया, हमारा स्क्रब बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कोहनी की स्क्रबिंग। चलिए अब यहाँ स्क्रबिंग करते हैं अपने कोहनी की। हमने लिया पेस्ट हाथ में और सर्कुलर मोशन में आपको कम से कम 5 मिनट तक स्क्रबिंग करना है। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हल्का हाथ भी इस्तेमाल नहीं करना है। स्क्रबिंग करनी है चाहे तो फुल बॉडी पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो मैंने सिकाई वाली चीज़ बताई उसको ज़रूर फॉलो करना है। सारा दिन में कभी भी कर लो, रोज़ नहाने से पहले एक बार ज़रूर कर लो, ठीक है। जब हमने 5 मिनट तक स्क्रबिंग कर ली, उसके बाद 5 मिनट तक लगे रहने देना है। देन ये देखिए तौलिए से मैंने हटा लिया, आप खुद ही देख सकते हैं कि वन टाइम में कितना चमक आ चुकी है कोहनी के ऊपर। मुझे कई बार कमेंट्स आती हैं कि मैडम आपकी कोहनी तो पहले से ही साफ़ है, आप उस पर क्यों करके दिखा रहे हो, ऐसे ही साफ़ नहीं हुई है, ये सब कर करके ही साफ़ हुई है, ठीक है। मैं भी इसी धरती पर रहती हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ, ऐसी ही पोल्यूशन में रहती हूँ, मेरी भी कोहनी हाथ पर काले हो जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से उनको क्लीन करती हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से ये क्लीन हो चुकी है। इसको आप रेगुलर करिए, एक बार ज़रूर करिए एक दिन में, जब आप ही स्क्रबिंग कर लेना उसके बाद यहाँ पर अगर आपको फील होता है कि ड्राई लग रहा है, तो आप अपनी जो भी क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, नारियल तेल हो, एलोवेरा जेल हो, वो आप यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप आपने बहुत अच्छे से वीडियो को समझ लिया है, तरीका समझ लिया है, उसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसी लगी वीडियो। ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देने ज़रूर आइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइए आप मुझसे और कौन सी किस तरीके की वीडियोज़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल की होम रेमेडीज़ और वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन प्लेलिस्ट या DIY ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।